यूपी की शराब बिहार तस्करों की पसंद बन गई है, इसलिए यूपी से शराब की तस्करी रुकने का नाम नहीं ले रही है। अब शातिर शराब माफिया शराब की तस्करी के लिए चोरी की बाइक का इस्तेमाल कर रहे हैं। कुचायकोट पुलिस ने ऐसे ही गिरोह का भंडाफोड़ कर इसका खुलासा किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी की एक बाइक बरामद की है। गिरफ्तार शराब तस्करों में मोतिहारी जिले के संग्रामपुर थाना क्षेत्र के औरंगजेब आलम, श्याम कुमार और बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के आलोक सिंह शामिल हैं। पूछताछ के दौरान गिरफ्तार शराब तस्करों ने बताया कि यूपी से चोरी की बाइक के जरिए शराब की खेप लाकर बिहार में सप्लाई की जाती है। शराब की तस्करी में चोरी की बाइक का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि FIR में पुलिस को चकमा दिया जा सके। FIR से बचने के लिए हो रहा है चोरी के वाहन का इस्तेमाल। शराब माफिया चोरी के लिए कई तरकीब अपना रहे हैं। चोरी के चार पहिया वाहनों के पकड़े जाने के बाद अब तस्करी के लिए बाइक का इस्तेमाल कर रहे हैं। पुलिस चेकिंग के दौरान शराब के साथ बाइक पकड़े जाने के बाद वास्तविक तस्कर की पहचान नहीं हो पाती है। पुलिस जब तस्कर की तलाश करती है तो पता चलता है कि पकड़ी गई बाइक चोरी की है। शराब के तस्कर चोरी के बाइक को 6 से 10 रुपए में खरीदते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं। NH 27 पर सासामूसा के पास वाहन जांच के क्रम में चोरी की एक ग्लैमर बाइक के साथ 3 लोगों को अरेस्ट किया गया है। पूछताछ के दौरान इन्होंने बताया कि चोरी की बाइक को लेकर यूपी से शराब लाते थे और बिहार में इसकी तस्करी करते थे। तीनों गिरफ्तार लोगों के नाम हैं औरंगजेब आलम, श्याम कुमार, ये दोनों थाना संग्रामपुर जिला मोतिहारी के रहने वाले हैं, और आलोक सिंह, ये बैकुंठपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। ये तीनों लोग नगर थाना क्षेत्र में किराए के मकान में रहते थे। और श्याम कुमार और आलोक सिंह पहले भी उत्पाद थाना एवं बैकुंठपुर थाना से जेल जा चुके हैं।